बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नी जॉइंट में लिगामेंट इंजरीज़ पढ़ेंगे। लिगामेंट इंजरीज़ में हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी उसका बताया था, साइन एंड सिम्टम्स और उसके अलावा एनाटॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। आज मैं इन तीनों लिगामेंट्स को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसकी एनाटॉमी और इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। यहाँ पे अगर एनाटॉमी में देखें तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, विच एक्ट एज अ डायरेक्ट बॉन्ड टू यूनियन बिटवीन टीबिया एंड फीमर टू मेंटेन पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। यानी कि डायरेक्ट बॉन्ड होता है फीमर और टीबिया के दरमियान, और फीमर और टीबिया के दरमियान जो बॉन्ड बनाता है उससे नी को पोस्टीरियर साइड पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स की अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट देखें तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ टीबिया। यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास बोन, ऊपर वाली बोन को फीमर कहते हैं, नीचे वाली को टीबिया, और यहाँ पे जो लेटर साइड पे छोटी सी बोन होती है इसको फिबुला कहते हैं। हमने पढ़ा है कि ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है थिक बैंड होता है, फाइबरस बैंड, और नी के पोस्टीरियर साइड पे होता है तो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी दे रहा होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है ये दोनों कंडाइल्स हैं, तो कंडाइल्स के दरमियान, ये टीबिया है ना, टीबिया के ये लेटर साइड का और ये मीडियल साइड का ये कंडाइल्स हैं, तो दरमियान वाला जो एरिया है उसको कहते हैं इंटर कंडाइलर एरिया। यहाँ से देखें, ये है ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो ये इंटर कंडाइलर एरिया से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटर कंडाइलर एरिया टीबिया का, यहाँ से शुरू हो रहा होता है, फिर आगे देखें कैसे जाता है, बिगिंस फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटर कंडाइलर एरिया ऑफ टीबिया, रन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड एंड मीडियली एंड अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर। यहाँ पे देखिए, रन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ, और फिर अटैच कहाँ से, मीडियल चला जाएगा, ये जो है फीमर, फीमर के दो कंडाइल्स होते हैं, ये मीडियल कंडाइल हो गया, ये लेटरल कंडाइल हो गया। अगर मीडियल कंडाइल के सर्फेसिस की बात करें तो ये मीडियल सर्फेस जो इनवर्ड होगी और ये लेटरल सर्फेस, तो ये कहाँ पे अटैच होता है, लेटरल सर्फेस की मीडियल साइड पे और एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पड़ा था उसके ऑपोजिट होता है। अब एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटर कंडाइलर एरिया टीबिया का, यहाँ से ये शुरू होता है, अपवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है, और फिर जाके कहाँ पे लगता है, ये जो लेटरल मीडियल कंडाइल है फीमर का, इसकी लेटरल सर्फेस पे, एंटीरियर साइड पे और मीडियल साइड पे, एंटीरियर मीडियल ये लग रहा होता है। हम यहाँ पे देखें, इट इज़ टॉट ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ नी, काफ़ी ये टॉट होता है जब फ्लेक्शन करते हैं नी की, क्योंकि ये तब पोस्टीरियर साइड पे है ना, तो पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा लेग एंटीरियर ना चली जाए और ये फ्लेक्शन में टाइट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखें कि किस तरह से इंजर्ड होता है ये लिगामेंट, तो यहाँ पे आता है फोर्सफुल ब्लो टू द एंटीरियर टीबिया, ठीक है, टीबिया के एंटीरियर साइड पे कोई ब्लो, कोई चीज़ आके बहुत ज़ोर से लगी है, तो उसकी वजह से वाइल नी इज़ फ्लेक्स्ड, नी फ्लेक्स पोजीशन में है, पूरा का पूरा घुटना आपने मोड़ा हुआ है, और तब आके कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लगी है घुटने में, तब ये, क्योंकि बैक साइड पे होता है नी कम्प्लीटली ये जो फ्लेक्स पोजिशन में है और वहाँ पर कुछ आके लगा है, तो ये इंजर्ड होगा, जिसको कहते हैं डैशबोर्ड इंजरी या फॉलिंग ऑन टू अ फ्लेक्स नी। यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हम, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग में होते हैं ना वो सीटिंग पोजीशन में इस तरह हम बैठे होते हैं, तो ये जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं ड्राइवर्स, तो उनके अगर नी यहाँ पे आप देखिए फ्लेक्स्ड है, फुली फ्लेक्स्ड है नी, जैसे ही ऑटो एक्सीडेंट होते हैं कोई, तो नी जो है यहाँ पे जाके डैशबोर्ड में लगा और ये लिगामेंट इंजर्ड हो गया। यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन के बोन किस तरह से मूव करती हैं जब ये ऑटो एक्सीडेंट में डैशबोर्ड पे जाके लगता है, कि ये जो फीमर थी, फीमर अपवर्ड मूव कर गई और ये बैकवर्ड आई है, इस तरह से डीरेंजमेंट हो गई है, तो ये यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये इंजर्ड हो गया है।
और दूसरी एग्जांपल ये है कि ये इसकी सडन हाइपरफ्लेक्शन में इसकी चली गई है लेग, नी पे सडन हाइपरफ्लेक्शन हो गई है और बोन्स देखें किस तरह से ये फॉरवर्ड मूव हुई है और ये बैकवर्ड, तो डीरेंजमेंट की वजह से इसके फाइबर यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं। ये सेकंड एग्जांपल है ये, और यहाँ पे फॉल ऑन द फ्लेक्स नी वाइल फुट इज इन प्लांटर फ्लेक्शन, जब भी कोई बंदा गिरेगा इस पर उनका फुट इस तरह होगा, इनवर्ड प्लांटर फ्लेक्शन में मूव कर गया होगा और नी जो है वो फुली फ्लेक्स्ड होगा, इस पोजीशन में जब भी गिरेगा तो ये लिगामेंट इंजर्ड होगा और सडन वायलेंट हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, सडन वायलेंट हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नी और वो जो थी ये फॉल ऑन टू फ्लेक्स नी, इस तरह से फ्लेक्शन में उसके नी थे और वो गिरा है और फुट ये देखें हाइपर प्लांटर फ्लेक्शन थी, बहुत ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन थी और नी हाइपर फ्लेक्शन में था, इस तरह से भी पोस्टर क्रूशिएट की लिगामेंट की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एक डैशबोर्ड इंजरी की एग्जांपल दी गई है। आप पढ़ते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के बारे में। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की अगर हम एनाटॉमी में देखें तो ये लॉन्ग बैंड है ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये लॉन्ग होता है। अगर इसको अटैचमेंट इसकी देखें सुपीरियरली यानी ऊपर वाली साइड से, ये कहाँ से अटैच होता है, अटैच द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर जस्ट बिलो द एडक्टर ट्यूबरकल। अब ये बात याद रखनी है कि जो फीमर का मीडियल एपिकंडाइल है, ठीक है, एपिकंडाइल्स होते हैं जो कंडाइल के ऊपर थोड़ी सी छोटी सी एमिनेंस बनी होती है उसको एपिकंडाइल हम लोग कह रहे होते हैं, और एपिकंडाइल जो होता है इसका फीमर का, उसके एपिकंडाइल पे एक एडक्टर ट्यूबरकल बना होता है, तो ये उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा होता है सुपीरियरली। अगर इंफीरियरली नीचे देखें तो ये कहाँ पे लग रहा होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है एक पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट सामने वाला पार्ट है वो लॉन्ग होगा, उसकी अटैचमेंट कहाँ होगी, शेफ्ट ऑफ टीबिया। अब टीबिया जो बोन है उसकी शेफ्ट पे, ये मैं आगे दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो शॉर्ट होगा और उसकी अटैचमेंट कहाँ होगी, मीडियल कंडाइल ऑफ टीबिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास बोन है फीमर, ये फीमर आपको दिखाई गई, ये फीमर का जो मीडियल कंडाइल है यहाँ पे ये एपिक कंडाइल के ऊपर एडक्टर ट्यूबरकल आपको शो हो रहा है। ये देखिए ये छोटी सी एमिनेंस बनी हुई है, इसको हम मीडियल एपिक कंडाइल देखते हैं, यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है इसको, और ये एपिक कंडाइल के ऊपर जो थोड़ा सा पॉइंट है इसको कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल, यहाँ पे उसने सुपीरियरली अटैच होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब यहाँ पे अगर इसकी देखें ये है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये एडक्टर ट्यूबरकल के बीच को नीचे से आता है और यहाँ पे आके शेफ्ट ऑफ टीबिया पे, यहाँ पे इसकी 3D में दिखाया गया है इसको, ये जो रेड फाइबर्स हैं ये इसके एंटीरियर फाइबर्स हैं जो कि उस पर आके शेफ्ट पे लग रहे हैं, और ये पोस्टीरियर फाइबर हैं जो कि मीडियल एपिकेनाइल के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, बहुत शॉर्ट हैं और ये लॉन्ग है, ये इसकी 3D है। अब इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पढ़ें तो मीडियल ये जो है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ये किस तरह से इंजर्ड होता है, ये इसकी अगर आइसोलेटेड इंजरी की बात करें तो जब भी कोई वेलगस फोर्स आके इसके ऊपर अप्लाई होगी और मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ द नी, मीडियल जॉइंट लाइन जो जॉइंट के दरमियान एक लाइन होती है उसको मीडियल जॉइंट लाइन कहते हैं, वहाँ पर अगर आके कोई वेलगस फोर्स अप्लाई हो रही है यानी बाहर की तरफ से इस तरह से फोर्स लग रही है कि जो डिस्टल पार्ट है आपका फुट वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है और नी अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको कहेंगे वेलगस फोर्स, वो अप्लाई होगी उसमें मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई कम्बिनेशन इंजरी हुई है, पहले भी मैंने एक दफ़ा उसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी में मैंने आपको एक ट्राइएड बताया था, उस ट्राइएड में था कि ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मीडियल मेनिस्कस ये तीनों इंजर्ड हो रहे थे, तो इस तरह कम्बिनेशन में भी इसकी इंजरी हो जाती है जब भी कभी कंप्लीट टेयर हो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, तो ये कम्बिनेशन में हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इसको वेलगस फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जब भी वेलगस फोर्स कहीं बाहर से आके एकदम से इसको झटका लगा, यहाँ पे कोई चीज़ आके लगी है, कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो इसका नी इनवर्ड मूव करेगा और डिस्टल पार्ट आउटवर्ड मूव करेगा ऑपोजिट साइड पर, तो इस तरह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी के। यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी गई है, ये देखिए यहाँ पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी हुई है और फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रही है, यहाँ से, ये देखिए। हम नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। अगर इसकी बात करें लेटरल कोलैटरल लिगामेंट की, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये आगे इसकी अटैचमेंट पढ़ते हैं हम लोग। एनाटॉमी अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, कॉर्ड लाइक होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसके जो चांसेस हैं
टॉर्न होने के वो बहुत कम होते हैं। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके भी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट के मुकाबले में बहुत कम होते हैं चांसेस। अगर इसकी अटैचमेंट देखें सुपीरियरली यानी ऊपर वाली साइड से कहाँ से अटैच होता है, लेटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर जस्ट अबव द पोपलीटल ग्रूव। यहाँ पे देखें ये मीडियल एपिकंडाइल मीडियल साइड पे गया है, तो ये मीडियल कंडाइल और यहाँ पे एपिकंडाइल, और ये लेटरल कंडाइल और यहाँ पे एपिकंडाइल। ये लेटरल एपिकंडाइल से ये सुपीरियरली अटैच होता है और इस तरह से नीचे आता है। इन्फीरियरली इसकी पढ़ते हैं, इन्फीरियरली नीचे वाले साइड पे ये अटैच होता है हेड ऑफ फिबुला, ठीक है, और फ्री फ्रॉम कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर अटैच नहीं होता, कैप्सूल से ये फ्री होता है, बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर देखें ये हेड ऑफ फिबुला पे आके ना अटैच हो रहा है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अगर हम देखें तो लेटरल लिगामेंट जो है इसकी उसके मीडियल कोलेटरल के ऑपोजिट फोर्स, जैसे कि उस पर वेलगस फोर्स लग रही थी, तो इस पर ट्रोमेटिक वेरस फोर्स जब भी लगेगी नी पे तो ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा और ये लेटरल इंस्टेबिलिटी काज करवा देगा। यानी कि ये देखें यहाँ पर यहाँ से फोर्स लगी वेरस प्रोड्यूसिंग फोर्स, वेरस फोर्स इस तरह होगी कि नी जॉइंट जो है आपका जोड़ है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और जो लेग है डिस्टल पार्ट है फुट वाला वो अंदर की तरफ होगा। इस तरह से कोई जब भी कोई मूव करती है तो ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है इसकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी वही दिखाया गया है इसका, ये देखिए कंप्लीट टेयर है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का और फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, वेरस फोर्स इसको कहते हैं, इस फोर्स की वजह से। आज मैंने सिर्फ इस ये तीनों लिगामेंट्स थे हम लोगों ने वन बाय वन पढ़ा, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट पढ़ा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इनकी हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी और इनकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझ में आया ये कि कैसे है। और उसमें फर्स्ट इससे पहले जो लेक्चर था मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, उसमें मैंने उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स भी बताए थे और ग्रेड्स भी बताए थे। लिगामेंट्स के ग्रेड तकरीबन सेम होते हैं, साइन एंड सिम्टम भी सबके यही होते हैं कि पेन हुआ है, वहाँ पे स्वेलिंग हुई है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हुई है और जिस साइड पर वो स्टेबल कर रहे थे नी को वही स्टेबिलिटी उसकी वहाँ की लॉस हो गई है। तो इस वजह से आज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। अगर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है तो लेटरल इंस्टेबिलिटी होगी नी, उस साइड पर इंस्टेबल होगा। मीडियल कोलेटरल है यहाँ पर ये देखे तो मीडियल साइड पे इंस्टेबल हो जाएगा। अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो पोस्टीरियर अगर उसकी इंजरी हुई है तो वो पोस्टीरियर साइड पे इंस्टेबल हो जाएगा नी। अब नेक्स्ट मैं अपने लेक्चर में बताऊंगी एक फीमेल एथलीट में लिगामेंट इंजरी किस तरह से होती है। तो अगला ये फीमेल एथलीट वाला लेक्चर देखने के लिए लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।